हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ग्रिल पेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये है एप्कोलाइट एशियन पेंट का एनिमल पेंट। तो दोस्तों, इसका ये ब्लैक पेंट है, तो ये हाफ लीटर का डिब्बा है दोस्तों। तो इसका दाम है 186 रुपया, प्रिंट है, मुझे ये 170 रुपया में मिला है। तो दोस्तों, ये बैल्कनी का ग्रिल है MS का। तो दोस्तों, इसमें प्राइमर किया हुआ है पहले से, प्राइमर इससे पहले मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इसका ऊपर अब पेंट कर के आप लोगों को दिखाऊंगा जो कैसे इसको पेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सब ग्रिल आप ब्रश से भी कर सकते हैं, कपड़ा से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको कपड़ा से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पेंट पहले एक डिब्बा में आधा ले लेना है, ऐसे करके आधा ले लेने के बाद दोस्तों, इसमें आपको तारपीन ऑयल मिलाना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आधा निकाल लिया हूँ हाफ लीटर का डिब्बा से, तो इसमें 200 से 250 ml तक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा तारपीन ऑयल मिलाऊंगा, 20 से 30 ml तक, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा तारपीन ऑयल नहीं मिलाना है, फिर पेंट पतला हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 लीटर पेंट में दोस्तों आपको 50 से 100 ml तारपीन ऑयल मिलाना है। तारपीन ऑयल ज़्यादा मिलाने से पेंट पतला हो जाएगा, फिर अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसे करके तारपीन ऑयल देके अच्छा से इसको मिला लेना है। तो दोस्तों, तारपीन ऑयल मिलाने से क्या होता है कि पेंट थोड़ा जल्दी सूखता है, और जो चिपचिपा रहता है पेंट अप्लाई करने का टाइम पे जो चिपक जाता है ब्रश या फिर कपड़ा से करते हैं तो कपड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा तारपीन ऑयल मिला देने से पेंट पतला हो जाने से अच्छा से अप्लाई भी होता है और जल्दी सूख भी जाता है। इसीलिए तारपीन तेल पेंट में थोड़ा सा मिला लेना चाहिए तो जल्दी सूखने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे करके अच्छा से इसको मिला लेना है। मिला लेने के बाद एक कपड़ा लेना है ऐसा, और एक कपड़ा लेके अच्छा से बार सबको, जितना लोहा का बार है इसको अच्छा से मार लेना है। तो दोस्तों, एक कपड़ा से अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये हाइट का फ्लैट है, तो इसमें हाइट है। अगर हाइट का आपका ग्रिल है तो अगर कपड़ा से पेंट करते हैं तो चारों तरफ ही पेंट हो जाता है बार का ग्रिल, पीछे तरफ भी आपका ये कपड़ा से हो जाएगा हाथ बाहर करके। तो दोस्तों, इसीलिए ये सब ग्रिल कपड़ा से ही पेंट किया जाता है। आप चाहते हैं तो आप खुद अगर करना चाहते हैं तो, अगर कपड़ा से आपका नहीं होगा तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों, ऐसे करके अच्छा से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कर लेने के बाद दोस्तों, इसको एक दिन फिर रेस्ट दे देना है, फिर दूसरा दिन इसमें डबल कोट करना है। तो मैं आपको एक कोटी करके दिखा रहा हूँ, आप फिर दूसरा दिन चाहते हैं तो डबल कोट कर सकते हैं, या फिर आपका पहले से पेंट किया हुआ है, ज़्यादा जंग लगा नहीं है, तो आप एक कोट भी कर सकते हैं, एक कोट में भी अच्छा फिनिशिंग आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे करके पूरा ग्रिल में अप्लाई कर लेना है, उसके बाद फिर एक दिन रेस्ट देके डबल कोट करना है। दोस्तों, अगर आपका पुराना ग्रिल है, अगर जंग लग गया है, तो पहले जंग सबको जो सीरीज पेपर होता है MRI पेपर, तो उससे अच्छा से सैंडिंग कर लेना है, अच्छा से झाड़ लेना है, पोंछ के उसके बाद ही पेंट करना है। दोस्तों, डस्ट का ऊपर में पेंट नहीं करना है, नहीं तो अच्छा फिनिशिंग भी नहीं आएगा और पेंट बहुत जल्दी छूट जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे करके अच्छा से पूरा ग्रिल में आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई हो जाने के बाद एक कोट, फिर एक दिन इसको रेस्ट देना है, फिर दूसरा दिन इसको डबल कोट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप खुद चाहते हैं अपना बैल्कनी का ग्रिल पेंट करने के लिए, तो आपको हाफ लीटर ही पेंट लेना है दोस्तों, उसी में आपका एक बैल्कनी का ग्रिल आराम से पेंट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही पेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेंट रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।